बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी की यह कार्रवाई दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के 11 ठिकानों पर चल रही है। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी मुख्तार के सीए और परिजनों समेत कुछ सहयोगियों के यहां हो रही है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के घर पर लखनऊ से ईडी की टीम पहुंची है। इसके अलावा टाउन हॉल में खान बस सर्विस के मालिक के यहां सोना व्यवसायी विक्रम अग्रहरि और प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मित्रा के यहां भी छापेमारी हुई है। गणेश दत्त मित्रा, विक्रम अग्रहरि और मुश्ताक खान मुख्तार अंसारी के करीबी हैं। ईडी की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ सभी के आवास को घेर लिया है। बता दें कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ शत्रु संपत्ति के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने भी आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने पर आरोपों की हस्ताक्षर युक्त कॉपी सौंपने के भी निर्देश दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला हजरतगंज के डालीबाग का है, जहां शत्रु संपत्ति के मामले में मुख्तार और उसके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ लेखपाल ने केस दर्ज कराया था। इस केस में लेखपाल ने धोखाधड़ी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा मुख्तार के बेटे अब्बास की तलाश लखनऊ पुलिस कर रही है। इसके लिए लखनऊ कमिश्नरेट ने 8 टीमें लगा रखी हैं, जबकि कोर्ट की ओर से पुलिस को 25 अगस्त तक का समय दिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई जगहों पर छापेमारी भी कर रही है। अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ कमिश्नरेट ने 84 पुलिस कर्मियों की कुल 8 टीमें लगाई हैं।